मनोज, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और खबर ये आ रही है कि कैबिनेट ने सोर्सेज के थ्रू, पहले आपको बता दें कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कैबिनेट ने SBI और SBI के सहायक बैंकों के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। सुबह से हमने आपको बताया भी था कि आज कैबिनेट के एजेंडा में ये मुद्दा शामिल है और इस पर मंजूरी मिल सकती है, लेकिन अब सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि SBI और 5 एसोसिएट बैंकों के मर्जर को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। बड़ी खबर। और आप देखिए, सुबह से ये पूरा स्पेस, फिर चाहे वो SBI हो, SBI के जो लिस्टेड एसोसिएट बैंक्स हो, SBB, जो SBM, SBT, एक जोरदार मजबूती लेकर सुबह से ये ट्रेड कर रहे थे और वो मजबूती अभी भी रिफ्लेक्ट कर रही है। बड़ी खबर है क्योंकि SBI और 5 एसोसिएट बैंकों को के मर्जर को अप्रूवल कैबिनेट ने दिया है। आज ये एजेंडा शामिल था भी, इनफैक्ट बैंक बोर्ड ब्यूरो की बैठक में पहले ही इस मर्जर को मंजूरी मिल चुकी थी और हमने देखा भी था कि काफी सारे यहां पर एक मिला जुला रुझान एक्सपर्ट्स की ओर से भी आया था इस मर्जर को लेकर, लेकिन डेफिनेटली इस मर्जर के बाद SBI की जो पोजीशन है, जो ऑरा है, वो और स्ट्रांग होगा। SBBJ, SBM, SBT अभी भी आप देख सकते हैं कि जोरदार मजबूती लेकर कामकाज कर रहे हैं। विनाश, सोर्सेस के थ्रू खबर मिल रही है कि SBI और 5 एसोसिएट बैंकों के मर्जर को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, आपके कमेंट्स? आई थिंक लॉन्गर टर्म में दीपाली ये मर्जर डेफिनेटली EPS एक्रेटिव होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ज़्यादातर जो खर्चे बैंक्स के हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत कटौती होगी, क्योंकि ये सारे बैंक्स में कहीं ना कहीं एक डुप्लीकेटिव काइंड ऑफ ऑपरेशन था। जब ये बैंक्स बनी थी तभी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनी थी, लेकिन अगर मर्जर होता है तो बैलेंस शीट और भी बड़ा हो जाए, और भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। इन द लॉन्गर टर्म मैं समझता हूँ शायद 12 से 18 महीने के बाद ही इस मर्जर का फायदा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटली काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो। और शेयर में SBI में हमने ऑलरेडी देखा है कि आज सुबह से थोड़ी सी एक पॉजिटिव एक्टिविटी देखने को मिली है, तो शायद ये थोड़ा सा मोमेंटम और समय के लिए चल सकता है जी, लेकिन एक जोरदार मजबूती लेकर ये पूरा ही स्पेस ट्रेड हो रहा है। और इनफैक्ट ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस रेज हो रहे थे कि जब SBI का मर्जर होगा इन एसोसिएट बैंकों में तो जो मर्जर की कॉस्ट होगी उसका शायद कोई इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पर दिख सकता है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब मानते हैं कि इस मर्जर के बाद कोई एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम बैंक के लिए रेज नहीं होगी, क्योंकि इन सभी सब्सिडियरी बैंक्स में जो टॉप मैनेजमेंट है वो मोर कंट्रोल्ड है और इसी का फायदा यहां पर बैंक को आता हुआ दिखेगा। हालांकि जो एसोसिएट बैंक्स की जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो SBI के मुकाबले थोड़ा सा लिटिल लोअर पर है, तो ये कह सकते हैं कि फिर भी SBI के लिए कंफर्टेबल जोन जरूर रहेगी इस मर्जर को लेकर। लेकिन डेफिनेटली एक कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर SBI और SBI के एसोसिएट बैंकों को लेकर, लेकिन देखना होगा कि जो रियल सिनर्जी होगी वो शायद थोड़ा समय जरूर लेगी मटेरियलाइज होने में, लेकिन एक अच्छी मजबूती लेकर ये सभी स्टॉक्स अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। SBBJ 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है 548 के लेवल पर। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यहां भी 11% का उछाल हम देख रहे हैं आज के सत्र में। कुछ फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जो SBI के 5 एसोसिएट बैंक, इनका जो कुल डिपॉजिट है वो करीब करीब 6 लाख करोड़ के आसपास का है, एडवांसेस 4 लाख करोड़ के आसपास के हैं, और ऐसा माना जा रहा था कि इस विलय के बाद जो SBI का कॉस्ट ऑफ फंड है वो 1% घट जाएगा, लेकिन SBI की जो बैलेंस शीट है वो डेफिनेटली स्ट्रांग होगी और इस मर्जर के बाद SBI दुनिया का 44वां सबसे बड़ा बैंक होगा। अविनाश, दो चीजें जिस पर बार बार बातचीत हो रही थी इस मर्जर को लेकर, पहला तो ये कि जो सिनर्जीज होंगी इस मर्जर को लेकर वो शायद थोड़ा समय और लेंगी, एक ये भी बात हो रही थी कि इस मर्जर को लेकर जो कॉस्ट आएगी उसका शायद थोड़ा सा असर दिख सकता है, और कई सारे विदेशी ब्रोकर हाउसेस ने यह बात भी कही थी कि मर्जर होना एक पॉजिटिव चीज है बैंक के लिए, लेकिन शायद जो टाइमिंग ऑफ मर्जर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है वो शायद ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली शॉर्ट टर्म में जो मर्जर रिलेटेड कॉस्ट है, टिपिकली अगर एम्प्लॉय की एट्रिशन की बात करें, क्योंकि काफ़ी हद तक कॉस्ट कंट्रोल को अगर हम देखें तो इनिशियली जो खर्चा आएगा कंबाइंड कंसोलिडेटेड एंटिटी पे तो वो डेफिनेटली एक नेगेटिव बात रहेगी, बट ओवरऑल आई थिंक लॉन्गर टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म में इट शुड बी अ गुड पॉजिटिव मूव। आई थिंक टाइमिंग तो मेरे ख्याल से वो होना ही था, तो मेरे ख्याल से ये लॉन्गर टर्म के लिए पॉजिटिव मूव है गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अविनाश, एसेट क्वालिटी कंसर्न से पूरा ही बैंकिंग स्पेस जूझ रहा है इस मर्जर के बाद, के एसेट क्वालिटी फ्रंट पर कुछ प्रॉब्लम आप देखते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, एसेट क्वालिटी फ्रंट पर कोई दिक्कत नहीं होगी बैंक को? अविनाश, चलिए अविनाश से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन बड़ी खबर जो सोर्सेस के थ्रू मिल रही है कि SBI की 5 सहायक बैंकों के साथ मर्जर को मंजूरी मिली है।
हालांकि जिस तरह से अविनाश ने भी कहा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो डेफिनेटली ये बड़ी खबर है और इसका फायदा डेफिनेटली एसबीआई को मिलेगा। नियर टर्म में थोड़ा सा हो सकता है कि किस तरीके से जो रियल सिनर्जीज है वो मटेरियलाइज होंगी ये देखना होगा, जो कॉस्टिंग है वो जरूर देखना होगा, लेकिन कुछ एसेट क्वालिटी को लेकर जिस तरह से कुछ चिंताएं थी उस पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि एसेट क्वालिटी पर्सपेक्टिव से कोई असर खास बैंक के जो ऑपरेशंस हैं फिर बैंक के जो कामकाज हैं उस पर नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है जिस तरह से हमने पहले भी मेंशन किया कि जो अगर आप अभी के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कंपेयर करेंगे एसबीआई के या फिर एसबीआई के एसोसिएट बैंकों के, तो जो एसोसिएट बैंकों के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो लिटिल लोअर साइड पर है लेकिन फिर भी कंफर्टेबल जोन में है। मेरे सहयोगी सुमित मौजूद है। सुमित, फाइनली काफी समय की खबरों के बाद या फिर बस के बाद अब ये खबर आ रही है सोर्सेस के थ्रू कि एसबीआई और एसोसिएट बैंकों के मर्जर को अप्रूवल मिला है कैबिनेट का। अब सिनर्जीज क्या क्या होंगी, क्या क्या बारीकियां रहेंगे इस मर्जर की? शुक्रिया दीपाली। देखिए, बहुत समय से अटकलें थी, पहले भी जो दो एसोसिएट बैंक है उनका विलय हुआ है एसबीआई के साथ, लेकिन अब दोबारा नए सिरे से पांच जो एसोसिएट बैंक है उनका विलय हुआ, प्लस बीएमबी यानी भारतीय महिला बैंक इनका भी विलय हुआ। एक इम्पैक्ट पहले आप दिखाते हैं एक एक करके। एसबीआई मोरलेस 4 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा, 212-213 का स्तर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन एक एकाएक जो बाइंग आई है वो एसोसिएट बैंक्स में है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के ऊपर अगर आप नजर डालें तो वहाँ पे एक स्पाइक अभी अभी आया, डीआई के आसपास ही वो कामकाज कर रहा, रफली 18% का उछाल वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर भी है, एकाएक बाइंग यहाँ पर भी है, दिन के उत्तम स्तरों के आसपास यहाँ पर भी कामकाज हो रहा है, तो एक अच्छी बाइंग एसोसिएट बैंक्स के अंदर देखने को मिल रही है। एसबीआई वैसे भी ये अटकलें बाजार में थी कि अगर यहाँ पे मर्जर होता है तो बहुत हद तक मार्जिन डायल्यूट होंगे एसबीआई के, प्लस जो एसेट क्वालिटी को लेकर सिचुएशन थोड़ी वर्सन ऑफ होते हुए दिखाई पड़ सकती है, लेकिन हाँ एक विन विन सिचुएशन एसबीबीजे एसबीएम एसबीटी इन जैसे बैंकों के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन जैसी स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगर दोनों के एडवांस और डिपॉजिट की सिचुएशन देखें तो एसबीआई के कंपैरिजन में जो बाकी एडवांस डिपॉजिट हैं वो लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास के डिपॉजिट, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी सिचुएशन में है वो स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर है, रफली 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास डिपॉजिट है और 67,000 करोड़ रुपए के एडवांसेज हैं। एनपीए फंड में भी सबसे कम फिगर जो है स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर ने पोस्ट किया है, तो इसका विलय काफी हद तक सकारात्मक होगा। बीएमबी का विलय काफी हद तक सकारात्मक होगा, लेकिन हाँ काफी हद तक जो मार्जिन डायल्यूट होंगे वो एसबीबीजे की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ेंगे।